बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज लाइक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बट इन सॉल्युबिलिटी वी विल टेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम 100 ग्राम लेंगे और उस 100 ग्राम में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम डिजॉल्व कर सकते हैं करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। यानी अगर हम 100 ग्राम वाटर ले लें और उसमें हम एक सॉल्यूट जिसका नाम है कॉपर सल्फेट वो डिजॉल्व करेंगे, तो 24 ग्राम तक कॉपर सल्फेट डिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद 1 ग्राम भी और डिजॉल्व नहीं होगा। यानी हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा 24 ग्राम पे। तो हम कहेंगे कि कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर 24 ग्राम है। इस दौरान हमने टेम्परेचर चेंज नहीं करना, बल्कि रूम टेम्परेचर के ऊपर कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी 24 ग्राम है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा सल्यूट, फिर और ज्यादा सल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा, तो फिर हमारी सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी। सॉल्युबिलिटी में दो शरायत है, एक आपने सॉल्वेंट लेना है 100 ग्राम और दूसरा टेम्परेचर आपने रूम टेम्परेचर रखना है, कांस्टेंट रखना है, उसको आपने चेंज नहीं करना। सो दो एग्जांपल्स पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्युबिलिटी का थीम और कंसेप्ट बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 1, वी कैन डिसॉल्व 24 ग्राम ऑफ क्रिस्टल ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अगर ब्लू कॉपर सल्फेट हो तो वो हम 24 ग्राम डिजॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम वाटर में, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक दफा दोबारा बता दूं कि जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं, जैसे पानी में नमक मिलाते हैं, तो हमने पहले 1 चम्मच नमक मिलाया और हल कर दिया, वो हल हो गया, फिर दूसरा चम्मच, फिर तीसरा चम्मच, एक स्टेज आएगा कि जितना मैक्सिमम साल्ट उस वाटर में डिजॉल्व हो सकता था वो हो जाएगा और मजीद साल्ट का 1 ग्राम भी डिजॉल्व नहीं होगा। तो वो जो मैक्सिमम उसने डिजॉल्व कर लिया और सोल्यूशन बना, दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सॉल्युबिलिटी एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बट हमने सॉल्वेंट 100 ग्राम लिया था, ये जहन में रख ले। सॉल्वेंट जब हम 100 ग्राम लेते हैं और 100 ग्राम के सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट। अब कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी है 24 ग्राम, ठीक है, बट वी हैव टू डिजॉल्व 36 ग्राम ऑफ टेबल साल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। लेकिन अगर हम टेबल साल्ट ले ले तो फिर 100 ग्राम वाटर में हम 36 ग्राम तक टेबल साल्ट, यानी जो घर में नमक पड़ा होता है, वो हम 36 ग्राम तक डिजॉल्व कर सकते हैं। सो द डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज ऑफ दीज साल्ट। ये क्यों डिफरेंस आ गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम है, टेबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी का मतलब है हल होने की ताकत। यानी कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम है क्योंकि वो इतना अच्छा हल नहीं होता पानी में, जबकि नमक ज्यादा डिजॉल्व हो जाता है। सो द सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन हाउ मेनी, यस, हाउ मेनी सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या हाउ मच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो ये मैंने पहले दो एग्जांपल्स पढ़ा लिए, अब आप लोग डिफिनेशन देख ले, इजीली समझ आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। सॉल्यूट भी आपने ग्राम में लेना है, सॉल्वेंट भी आपने ग्राम में लेना है। ये नहीं करना कि आप कोई लिक्विड सॉल्यूट ले लो तो उसको आपने मिलीलीटर में काउंट कर लिया, वो भी आएगा लेकिन उसकी फिर कन्वर्जन जरूरी है। तो आपने एक डिफिनेशन में क्या पढ़ा कि किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम उस सॉल्वेंट के 100 ग्राम में डिजॉल्व है, यानी सॉल्वेंट के 100 ग्राम में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया,
that is called the solubility of that solute. For example, copper sulfate has a solubility of 24 grams. It means the 24 grams of crystal of blue copper sulfate can dissolve in 100 grams of water. Similarly, the solubility of table salt is 36 grams. It means 36 grams of table salt can be dissolved in 100 grams of water. So the amount of solute in grams that is dissolved in 100 grams of the solvent at a given temperature is called its solubility. The amount of solute in grams dissolved in 100 grams of the solvent at a given temperature is called its solubility. Yani 100 gram solvent mein kitna solute hum dissolve kar sakte hain. 100 gram solvent mein jitna solute dissolve ho gaya maximum, wo usko solute ki solubility kehte hain. So much simple. Ji, to kaun kaun mujhe batayega what is solubility? Abdul Basit. What is solubility? Ji, Faipa. Sir, the amount sir, of Urdu mein ya fir English mein? Grams. Ji, Abdul Basit, aap mujhe waise Urdu mein bata de. Maine kya kya padhaya aapko? Sir, the amount of solute hoti hai grams ki 100 grams ke solvent mein usse aur given temperature mein usse solubility kehte hain. Abdul Basit, blue copper sulfate ki solubility kitni hai? Ji sir, copper sulfate jo ke ek solid hai uski solubility kitni hai? Sir, 100 gram. नहीं, उसकी सॉल्युबिलिटी है 24 ग्राम. ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? 24 ग्राम. 24 ग्राम. और अब्दुल बासित, टेबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी है? ये सामने लिखी हुई है ना बेटा, 36 ग्राम का टेबल साल्ट. जी जी बोले. अब्दुल बासित, टेबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम है जबकि ब्लू कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी 24 ग्राम है. जी हमजा, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी एट दैट टेंपरेचर. और एग्जांपल में आप क्या क्या बताएंगे? सर, क्रिस्टल सर क्रिस्टल कॉपर सल्फेट जो है 24 ग्राम्स जो 24 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टल ब्लू कॉपर सल्फेट होता है वो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर रूम टेम्परेचर के अंदर वो हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है. हाँ, तो इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी 24 ग्राम्स है वाटर में और टेबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम्स है वाटर में. ठीक है जी. अब्दुल रहमान, अरहम, फिलहाल बारी बारी बताइए बेटा, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी एट दैट टेंपरेचर. ओके ओके. और फायका, आप लोग ये डेफिनेशन याद करें, मुझे अभी जुबानी भी बताना है. ठीक है, मैं स्क्रीन गायब कर दूं. और एग्जांपल, अच्छा, the amount of solute in gram dissolving 100 grams of the solvent at given temperature is called its solubility. अच्छा यार, कौन कौन मुझे जुबानी सुना सकता है? मैं जरा अपने क्लास में चीते देखना चाहता हूँ, वो अपने हैंड रेस करें. ये सिर्फ डिफिनेशन, the amount of solute in grams dissolved in 100 grams of the solvent at a given temperature is called its solubility. Oh, माशाल्लाह. जी शाज़ेब. The amount of solute in the amount of solute in gram dissolved in 100 gram of the solvent at a given temperature is called its solubility at that temperature. Bilal, aapne beta ji chalo keh rahe. Bilal, the amount of
द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज सॉल्युबिलिटी. गलत बिलाल, आपने गलत बोला बेटा. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट बोला. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्वड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी. जी सुफियान सजाद. सुफियान, The amount of solvent in the grams, the the amount of grams, solvent नहीं बेटा, the amount of solute in grams. amount of solute in the grams dissolved in 100 grams, 100 grams in the 100 grams of the solvent. 100 grams of the solute in that temperature is called solubility. MashaAllah, Arham, Mustajab. The amount of solute in dissolved in 100 grams of the solvent and a temperature and a given temperature is called its solubility. Well done, excellent. Amin Beg. The amount of solute in grams dissolved in 100 gram of the solvent at a given temperature is called its solubility. हाँ, ये मैंने आप लोगों से क्यों सुना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैंने आप लोगों को पेपर में दिखाया था कि 2020 में या 2021 में ये वाला क्वेश्चन आया था पेपर में. आप लोगों को मैंने रात को दिखाया भी पेपर में ना, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इस दफा मे भी ये वाला क्वेश्चन ना आए और इस दफा इस सॉल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप लोगों ने डिफिनेशन और ये पैराग्राफ लिखना है एग्जाम्पल वाला, तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन मैं आप लोगों को नीचे एक एक्सपेरिमेंट के जरिए भी समझा देता हूँ, ठीक है? एक्सपेरिमेंट. टेक 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर. स्टार्ट हीटिंग द सॉल्यूशन ऑन अ स्पिरिट लैम्प. नाउ ऐड सम मोर साल्ट इन द सॉल्यूशन एंड स्टिर इट. यू विल सी दैट मोर अमाउंट ऑफ द साल्ट इज डिसॉल्वड इन दिस हॉट सॉल्यूशन. It means the solubility of solute increases with increase in temperature. अगर आ जाए ना कि temperature के साथ solubility का क्या relation है, तो आप कहेंगे कि most of the solids के लिए. ये नहीं है कि तमाम solids ऐसा करते हैं, कुछ जगह पे नहीं भी करते हैं. यानी आपने 100 ग्राम वाटर लिया और उसके अंदर आपने नमक डाला, तो 36 ग्राम तक नमक तो ऑलरेडी डिजॉल्व हो गया. लेकिन उसके बाद आपने स्पिरिट लैम्प के ऊपर रखा उसको. स्पिरिट लैम्प का मतलब है आपने हीट के ऊपर रख दिया और हीट करने से आपने और ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व कर लिया. इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पे तो सिर्फ 36 ग्राम तक डिजॉल्व था, लेकिन हीट करने से मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ. इसका मतलब है हीट करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, हीट करने से मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया. So whenever we heat the things, the solubility increases with increase in temperature. The solubility of some solids, ye some ka lafz lazmi likh le isme, theek hai? The solubility of some solute increases with increase in temperature. Kyunki hamesha aisa nahi hota, theek hai? Take 100 grams of water in a beaker and make a saturated solution. Saturated solution kya hoga? Yani 36 gram saturated solution hoga. स्टार्ट हीटिंग द सोल्यूशन ऑन अ स्पिरिट लैम्प. जब आपने उसको हीट करना शुरू किया तो फिर उसने मजीद साल्ट भी डिजॉल्व कर लिया. नाउ एड मोर साल्ट इन द सोल्यूशन एंड स्टिर इट. ऊपर से आपने एक स्टिरिंग रॉड रखा है जिससे आप स्टिर कर रहे हैं. स्टिर का मतलब है किसी चीज से हिलाना ताकि वो डिजॉल्व हो जाए. यू विल सी दैट मोर अमाउंट ऑफ द साल्ट इज डिजॉल्वड इन दिस हॉट सोल्यूशन. इट मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो आप लोगों ने तीन पैराग्राफ लिखने हैं, तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्लियर हो गई और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी भी क्लियर हो गया. इसके साथ लास्ट में एक और लाइन बता देता हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी लिखना है. ये बीच में ये वाला पैराग्राफ बेशक छोड़ देना, ये वाला पैराग्राफ आप लोगों ने साथ लिखना है, ठीक है? कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी तो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो जाती है.
It is interesting that solubility of gases in liquid solvents decreases with increase in temperature. Gases की solubility temperature बढ़ाने से कम हो जाती है. Example बता देता हूं. अगर आप लोगों ने कभी fish aquarium देखा हो, एक ग्लास बॉक्स होता है, शीशे का एक बॉक्स होता है और उसमें फिश इधर उधर घूम रहे होते हैं. अगर उस फिश एक्वेरियम को आप सनलाइट में रख दे, हीट में रख दे, तो यू विल सी दैट द फिश विल फील अ साइन ऑफ स्ट्रेस. फिश बड़ा स्ट्रेस फील करेंगे. क्यों? क्योंकि पहले पानी ठंडा था, अब गर्म हो गया. ठंडे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन था, गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जितना ऑक्सीजन डिजॉल्व था अब वो बाहर निकल आया. तो गर्म पानी में गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसलिए ठंडे पानी में उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा था तो मजों में था. लेकिन जो ही पानी गर्म हो गया तो फिश को ऑक्सीजन अब कम मिलना शुरू हो गया. क्यों? क्योंकि गर्म पानी में कम ऑक्सीजन, ठंडे पानी में ज्यादा. वजह? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी उस वाटर में कम हो जाएगी. पहले ज्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व था जब नॉर्मल टेम्परेचर था, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर विल बी अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन. सो द फिश विल फील अ साइन ऑफ स्ट्रेस. जिस तरह आप लोगों को खुदा ना खास्ता सांस का मसला हो तो आप लोग किस तरह फील करते हैं, इस तरह वो फिश भी इस तरह फील करेंगे, क्योंकि उस वाटर में वार्म वाटर है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. कूल वाटर है, वे बिग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो ये जो लास्ट सेंटेंस है ये भी आप लोगों ने इसमें लिखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्यूट का मतलब है सॉलिड लिख ले इसमें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ सॉलिड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो ये टॉपिक का नाम था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, और उसमें आप लोगों ने दो पैराग्राफ लिख लिए. ठीक है, अब मैं हाईलाइट कर देता हूं कि ये वाला हिस्सा भी करना है, ये पहले वाला करना है क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी का एग्जाम्पल है, दूसरे वाला करना है क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन है. ठीक है, और इसके बाद ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है इसको आपने हेडिंग देना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. ये जो पैराग्राफ है ना टेक 100 ग्राम वाला, इसका आपने हेडिंग देना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. ठीक है, और फिर आपने ये पैराग्राफ लिखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए आप लोगों ने एक ये पैराग्राफ लिखना है पूरा, फिर आप बीच में ये पैराग्राफ बेशक छोड़ दें क्योंकि इतना लेंथी आप याद नहीं कर सकते, और एक जो लास्ट पैराग्राफ है ये भी आपने लिखना है. ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब इसे एक पैराग्राफ के अलावा बाकी सारा लिख लें. ठीक है, ये पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं, ये इसी का एग्जांपल है. इसमें हमने टेबल साल्ट का पढ़ लिया और इसमें कॉपर सल्फेट का है. ठीक है, तो बस एक एग्जांपल काफी था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में. तो जी स्टूडेंट्स, तो क्या आप लोग इजीली कर लेंगे इंशाल्लाह? क्या आप लोग इजीली ये टॉपिक याद कर लेंगे? इज इट क्लियर? अभी हम जो है ना एक दफा रीडिंग कराते हैं, रीडिंग के बाद फिर हम नमाज ब्रेक करेंगे. ठीक है जी, कौन रीडिंग करना चाहेगा? बिलाल आदिल बेटा रीड कर ले प्लीज. वी कैन डिसॉल्व, वी कैन डिसॉल्व 24 ग्राम्स ऑफ crystal of blue copper sulfate in 100 grams of water at room temperature to make saturated solution, but we have to dissolve 36 grams of table salt in 100 grams of water at room temperature to make it saturated solution. The difference is due to the different solubilities of these salts. The amount of solute in gram dissolved in 100 grams of the solvent at a given temperature is called its solubility at that temperature. Solubility at that temperature.
ठीक है बेटा, काफी है, थैंक यू सो मच जी। फायका, फायका बेटा आगे रीड कर ले। टेक 100 grams ऑफ वाटर इन अ बीकर। Take 100 grams of water in a beaker and make a saturated solution of sodium chloride table salt at room temperature. Start heating the solution on a spirit lamp. Now add some more salt in the solution and stir it. You will see that more amount of salt is dissolved in this hot solution. It means the solubility of solute increases with increasing temperature. हाँ, और आखिर में क्या लिखा है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी, ये भी रीड कर ले बेटा। It is interesting that the solubility of gases in liquid solvent decreases with increasing temperatures. Well done, excellent. जी हैदर अली, आपने सिर्फ सॉल्युबिलिटी की डिफिनेशन रीड करनी है एक दफा शाबाश। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, ये वाली, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। The amount of solute in grams dissolved in 100 grams of the solvent at a given temperature is called its solubility at that temperature. हैदर, इसका मतलब क्या हुआ? आप तो क्लास में नहीं थे ना, आप Yes, लेट sir. आए हो, बोले इसका क्या मतलब है? Sir, इसका मतलब है कि जब इसका मतलब है कि आपने फिर रिकॉर्डिंग सुननी है, ठीक है, क्योंकि आपकी तो अभी गुड मॉर्निंग हुई है। वहां क्या टाइम हो रहा है? सर अभी तो यहाँ पर 9 बजे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं। जी। अच्छा ठीक है, तो आपने बेटा रिकॉर्डिंग लाजमी सुननी है, ठीक है। ओके सर। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग नमाज ब्रेक कर लें और 7:50 PM पे दोबारा आ जाए, ठीक है, आधे घंटे की ब्रेक बहुत है। 7:50 PM पे उर्दू और इंग्लिश की क्लास, 7:50 PM पे आप लोग दोबारा आ जाए।